हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे लौकी का रायता। तो मैंने यहाँ पे लौकी ले लिया है, आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको कट किया है छोटे छोटे पीसेस में। आज हम कुछ अलग तरीके से और टेस्टी रायता, बिल्कुल झटपट से बन जाने वाला रायता बनाएंगे। इस तरीके से बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी और कम समय में, कम सामान में टेस्टी भी बनेंगे। तो चलिए, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। इस प्रकार से अब कट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने दो हरी मिर्च लिया है, इसको कट कर लीजिए छोटे छोटे पीसेस में। और थोड़ा गार्लिक लेंगे। गर्मियों में रायता खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन झटपट से और जल्दी बनने वाला रायता है। तो इस तरीके से लहसुन को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अब हमने प्रेशर कुकर लिया है, यहाँ पे बॉयल हम नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रेशर कुकर में बनाएंगे। तो थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और जीरा को चटकने तक वेट करेंगे। और लहसुन और हरी मिर्च को भी ऐड कर देंगे और लौकी को भी ऐड कर दीजिए, साल्ट ऐड कर दीजिए। इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से मीडियम फ्लेम पे। हमारा मिक्स हो गया तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना। तब इसको एक सीटी आने तक मीडियम फ्लेम तक पकाएंगे। हमारी लौकी अब पक चुकी है बिल्कुल, इसमें नई पानी कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, पानी भी नहीं छोड़ा है, सब सही है। अब यहाँ पे 250 ग्राम मैंने दही लिया है, दही में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, देखिए इस प्रकार से बनाएंगे तो बिल्कुल टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे भुना जीरा पाउडर हाफ स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ, रेड चिल्ली पाउडर हाफ, ब्लैक साल्ट ऐड किया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। आपके पास धनिया की पत्ती हो वो भी ऐड कर दीजिए। अब हमारा रायता बिल्कुल तैयार है, आप भी इसको खाने में शामिल करिए। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।